इस वक्त हमारे साथ गेट अकेडमी के डायरेक्टर डांडे सर जुड़े हैं। सर, आज यहाँ पर इतनी सारी तादाद में आईआईटी के जो एस्पिरेंट्स आए हैं, एमटेक के स्टूडेंट्स आए हैं, फीस हाइक को जो खिलाफ यहाँ पे इस चीज़ के खिलाफ बोलने आए हैं, सर आपकी पर्सनली क्या राय है इस चीज़? नहीं, मेरी मतलब सभी लोगों की राय जो है वो ये है कि जो फीस हाइक जो हुई है वो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि 900% फीस हाइक की है, स्टाइपेंड रोक दिया गया कि अब स्टाइपेंड नहीं देंगे, तो ये दोनों ही चीज़ उनके पॉइंट्स वैलिड नहीं है। और इसके लिए जो रीजनिंग दे रहे हैं वो भी वैलिड नहीं है कि लोग एमटेक को लेफ्ट कर दे रहे हैं इसलिए इनका फीस हाइक कर देते हैं, तो वो वैलिड रीजन नहीं है। तो मेरे को लगता है कि एमएचआरडी को एक आईटी काउंसिल के साथ मीटिंग करना चाहिए, उनको प्रॉपर रीजन जानना चाहिए कि लोग लेफ्ट क्यों कर रहे हैं। सर, अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, सर इतने सालों से स्टाइपेंड चलता आ रहा था, आपको क्या लगता है कि अचानक से उस पर रोक लगाने की क्या वजह हो सकती है? नहीं, उनको लग रहा है कि स्टाइपेंड अगर हम रोक रहे हैं तो उनको लग रहा है कि फंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आईआईटी दिल्ली बोले कि अगले 10 साल बाद हमको 560 करोड़ के आसपास हमारे पास लोन आ जाएगा, तो उनको जो फंडिंग का जो इशू आ रहा है, तो जो गवर्नमेंट के साइड से जो हमको मिलता था AICD की साइड से 12,400, तो उनको लग रहा है कि ये फंडिंग को अगर रोका जाए तो जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता है कि स्टाइपेंड रोकने के बाद उनका फंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आईआईटी के पास एल्यूमिनीस है, वो एल्यूमिनीस से अगर एक बार भी रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके पास फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अभी बीच में देख रहा था, क्योंकि आईआईटी से इतने अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए हैं कि लोग अगर आईआईटी से पढ़ने के बाद अगर सब लोग अगर 1 मंथ का सैलरी, जितने लोग भी अच्छी अच्छी जगह पे, अगर 1 मंथ का भी सैलरी दे देना तो अगले 50 साल के पास उनका फंडिंग का अमाउंट जमा हो जाएगा। सर, आईआईटी में लगभग 50% लगभग ये सबका मानना है, 50 से ज्यादा ही होते हैं ऐसे बच्चे हैं जो सर जिंदगी में अपने आप को देश को नाम सक्सेस करना चाहते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल तेज होते हैं, 50 से भी ज्यादा प्रतिशत ऐसे बच्चे होते हैं। और सर ये भी बात है कि वहां पर वो लोग ऐसे हैं जो लोन के बल पर वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ 900% जो बढ़ाव किया गया है, हाइक किया गया है फीस के अंदर, इसके अंदर सर क्या लगता है कि ऐसे प्रोटेस्ट करना क्या काम आएगा, क्या लगता है कि क्या ये कर पाएगा? नहीं, और हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई इनिशिएट नहीं करेगा तो फिर चीज़ें ना वो इंप्लीमेंट कर डालेंगे। तो अभी हमारा था कि पहला फेज था, तो मैं चाहता था कि एक बार हम लोग थोड़ा सा इनिशिएट ले, MHRD को एक अप्लीकेशन दे, उनको समझ आए कि लोग इस चीज़ को ना नहीं मान रहे और प्रोटेस्ट में लोग खड़े हैं। तो जब इस बारे में जब वो लोग मीटिंग करेंगे तो उनको समझ आएगा, तो वो उस पॉइंट्स को रखेंगे कि नहीं इतना हाइक नहीं होना चाहिए। तो जो उनका जो फीस हाइक वाला जो पार्ट है उनका गुड डिसीजन नहीं है, तो उनको समझ आना चाहिए। ऊपर से वो लोग गेट का फॉर्म फिलअप होने के बाद ये वाला चीज रखे, तो उनको समझना पड़ेगा कि जो भी वो पॉइंट्स दे रहे हो वो वैलिड पॉइंट नहीं है। और उनको एक एमटेक स्कॉलर से एक फीडबैक लेना चाहिए, एक फॉर्म भराना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं ये गुड है या नहीं है। तो मेरे को लगता है उनको फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट है उनको। सर क्या लगता है कि अगर बाय चांस मांगे नहीं मानी गई तो सर आगे किस कदम तक जाने को तैयार है सर? हम लोग नेक्स्ट फेज के लिए रेडी है। नेक्स्ट जो होगा हम रामलीला मैदान पर रहेंगे, पूरे इंजीनियरिंग जो कम्युनिटी है, पूरे इंजीनियरिंग कम्युनिटी जब रामलीला मैदान पर 50,000 लोग जमा होंगे तो मेरे को लगता है कि MHRD क्या गवर्नमेंट को हर बात माननी होगी। और हम लोग ना कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे कि हम कुछ गलत मनवाना चाहते हैं, हम अपने वैलिड पॉइंट रख रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट इतना एफर्ट करती है, एक मिडिल क्लास फैमिली को जितनी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स वाली बात तो है नहीं कि हम कुछ भी मांग मंगवा रहे हैं या कुछ हम लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम तो बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो सही में इंपॉर्टेंट है। तो रामलीला मैदान में जब मेरे को लगता है कि जो हमारा जो नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा वो गुड फॉर्म में रहेगा, तो मेरे को लगता है MHRD हमारी बात को मानेगी। तो ये थे डांडे सर जो कि गेट अकेडमी के डायरेक्टर है हमारे साथ। इस वक्त जो भी एस्पिरेंट्स जुड़े हैं IIT के, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, सब एक साथ क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? फीस हाइक वापस लो, फीस हाइक वापस लो। तो आप देख पा रहे हैं कितने आक्रोश में ये लोग नजर आ रहे हैं, कितने आक्रोश में ये लोग नजर आ रहे हैं फीस हाइक को लेकर। 900% जो फीस हाइक करी गई है IIT के स्टूडेंट्स के लिए, एक लोन पर पढ़ाई करने वाला बच्चा आज इतने सारे पैसों के नीचे दबे जा रहा है, स्टाइपेंड उनका बंद कर चुके हैं। दिल्ली से कैमरामैन रोहित के साथ विशाल मल्होत्रा, 10 न्यूज़।